नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नमन किया। इस दौरान नेताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड के रांची, लातेहार और जमशेदपुर में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। इस दौरान जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं पटना और बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर समेत कई अन्य जिलों में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। बाढ़ में सफलता ट्रेनिंग सेंटर ने रेलवे ग्राउंड में दौड़ प्रतियोगिता का किया आयोजन। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स रवाना हुए लालू यादव, बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स से जा रहे हैं दिल्ली। रांची में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पटना में राजभवन मार्च के दौरान भिड़े जाप कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी, कृषि बिल को लेकर कर रहे थे विरोध। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, संविदा पर बहाल कर्मी सरकारी सेवक नई नियुक्ति में मिलेगा वेटेज। जमशेदपुर में झारखंड युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष पूर्वी सिंह भूम के गणेश सरदार, तेतलापोड़ा के मुखिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा। गोपालगंज में पड़ रही कड़ाके की ठंड, ठंड और शीतलहर से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री किया गया दर्ज। लखीसराय जिले के केआरके हाई स्कूल मैदान से 15वें क्यूल महोत्सव को लेकर 1001 कन्याओं ने निकाली कलश शोभा यात्रा। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सह विधान पार्षद नीरज कुमार रहे मौजूद। और ऐसी परिस्थिति में क्यूल महोत्सव और जिसमें बेटियों की सशक्त उपस्थिति, कलश लेकर के माँ दुर्गा की आराधना करते हुए समाज में सामाजिक संदेश, समाज की आधी आबादी और खासकर बेटियों का जो सशक्तिकरण है, जो मानसिक पटल पर उनके नए मानसिक विकास के नए आयाम हुए। मनेर पहुंचे पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह, प्रखंड और अंचल का लिया जायजा। इस दौरान डीएम ने प्रखंड और अंचल में पहुंचे लाभुकों और आवेदकों से मिलकर फरियाद भी सुना। कि ये परिचयात्मक विजिट है, एक बार देख लेना जरूरी है कौन सा प्रखंड अंचल कार्यालय कहाँ है, किस प्रकार है, किस स्थिति में है। भर में दो चिकित्सकों के विवाद में अधर में लटका कोरोना टीका का शुभारंभ, वही विवाद के बीच पीएचसी का सारा काम ठप पड़ा। सरायकेला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। इस दौरान नगर आयुक्त ने अभियान को लगातार जारी रखने की बात कही। सहरसा जिले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट के 2,05,000 रुपए, पिस्टल और कारतूस के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। दर थाना अंतर्गत झपड़ा बाईपास के पास एक फाइनेंस कर्मी से 3 अज्ञात अपराधियों ने करीब 3,79,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और थाना अध्यक्ष सदर और जिला सूचना की इकाई के सदस्यों के द्वारा छापामारी की गई और उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, औराई में महिला की गला रेत कर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहरसा में जिला प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, वहीं दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की दी गई हिदायत। सरायकेला के खोकरों में बस और टेम्पो के बीच हुई जबरदस्त टक्कर, वही टेम्पो सवार गंभीर रूप से हुआ घायल।